तो हम लोग जो बात करने चले हैं, क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक है ना, सब कुछ क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को? ओके, देखो हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन है उसका जो इनिशिएशन फेज है उसी के लिए हम लोग क्या करने चल रहे हैं, बात करने चल रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दो टेबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टेबल बना रहे हैं। पहले आप कंप्लीट जानिए ना, हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन ना, रेप्लिकेशन, एक मिनट, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन फेज किसकी बात करने चल रहे हैं इसमें हम लोग, इनिशिएशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनिशिएशन फेज। ठीक है, इनिशिएशन फेज। ओके, बात समझ में आ रहा होगा ना आपको। अब देखो इधर हम क्या बना दे रहे हैं, इधर हम बना दे रहे हैं ना, इधर हम बना दे रहे हैं प्रोकैरियोट। मान लो ना इधर हम लोग क्या, इधर हम बना दे रहे हैं प्रोकैरियोट ना, प्रोकैरियोट, इधर हम क्या बना दे रहे हैं प्रोकैरियोट, और इधर हम लोग क्या बना दे रहे हैं यूकैरियोट ना, क्या बना दे रहे हैं यूकैरियोट, समझिएगा अच्छे से। यूकैरियोट मतलब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, समझिएगा आप लोग मेरी बात, यहाँ पे हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात एक कंपरेटिव एनालिसिस की बात करने चल रहे हैं कि प्रोकैरियोट में डीएनए का इनिशिएशन कैसे होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कैसे होता है, और यूकैरियोट में डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएशन कैसे होता है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये मान लो डीएनए ले लिया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखो प्रोकैरियोट हम लोग बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, जो डीएनए होता है कुछ ऐसे होगा ना, सर्कुलर होगा ना, प्रोकैरियोट में जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपका सर्कुलर हो जाएगा। यूकैरियोट में जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियर हो जाएगा ना, यूकैरियोट में जो डीएनए होता है वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब आप समझिएगा, यहाँ पे जो आपका और यहाँ पे जो आपका ओरिजिन होती है, यहाँ पे जो ओरिजिन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिसी बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे उसे हम लोग, ओरिसी बोलते हैं। यहाँ पे जो होगा ओरिजिन साइट होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एआरएस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं एआरएस बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एआरएस बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूंगा ना, इसको हम ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक है, आप समझेगा प्रयास करिएगा, डीएनए को टेंशन नहीं ले रहे ना, इसको हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका डीएनए है, ये मान लीजिए आपका ये ऐसे करके हो गया ना, ये आपका ऐसे करके हो गया, लीनियर नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोकैरियोट में लीनियर नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओरिसी हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओरिसी हो जाएगा ना, ये हमारा ओरिसी हो जाएगा। अब इस पे क्या होगा, सबसे पहले जो आकर बाइंड करेगा वो बाइंड क्या करेगा, सबसे पहले आकर जो बाइंड करेगा यहाँ पे वो बाइंड करेगा डीएनए ए प्रोटीन ना, यहाँ पे क्या कर बाइंड करेगा, यहाँ पर आकर बाइंड करेगा आपका डीएनए ए, समझो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, ठीक ना, ऐसे करके बना दे रहा हूँ ना, ये हमारा ओरिसी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आके बाइंड करेगा यहाँ पे ना, ऐसे करके ना, यहाँ पे कौन आकर बाइंड करेगा, सबसे पहले आके बाइंड करेगा आपका डीएनए ए प्लस एटीपी आके बाइंड करेगा। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ओरी ओरिसी रिकॉग्निशन ना, रिकॉग्निशन ना, और दूसरा काम क्या हो जाएगा आपका, मेल्टिंग का काम ना, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, मेल्टिंग काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या और आके बाइंड हो जाएगा, उसके बाद आके और बाइंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा आपका हेलिकेज, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ना, यहाँ पे क्या के बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे आके बाइंड हो गया है हेलिकेज, देखो दिख रहा होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, हेलिकेज आके बाइंड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, हेलिकेज आके बाइंड ना, यहाँ पे हेलिकेज ना, हेलिकेज आके बाइंड करेगा, और हेलिकेज का नाम क्या होता है, डीएनए बी ना, डीएनए बी होता है ना, हेलिकेज का नाम क्या होता है आपका, डीएनए भी होता है ना, समझेगा मेरी बात। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये देखो ये कहाँ होगा, ये आपका जीवन फेज में होगा ना, ये कहाँ होगा, जीवन फेज में। तो सबसे पहले इस पे जो आकर बाइंड करेगा वो कौन बाइंड करेगा, वो ओआरसी आके बाइंड करेगा ना, कौन बाइंड करेगा, मान लो ये आपका ओआरसी हो गया ना, ओआरसी आके बाइंड कर लिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे आपका हेलिकेज आके बाइंड करेगा ना, हेलिकेज, हेलिकेज क्या हो जाएगा आपका, यम सी यम 227 हो जाएगा ना, यहाँ पे समझेगा मेरी बात, यहाँ पे आपका जो हेलिकेज है वो आपका डीएनए भी है, यहाँ पे जो हेलिकेज है एमसीएम 2 है, यहाँ पे जो आपका मेल्टिंग का काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है आपका, डीएनए ए एटीपी कर रहा है, यहाँ पे जो मेल्टिंग और रिकॉग्निशन काम कर रहा है वो कौन कर रहा है आपका, वो कर रहा है आपका ओआरसी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी ये इनएक्टिव फेज में है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्री ना, प्री आरसी बोलेंगे, और ये क्या होगा आपका, इनएक्टिव फेज में है ना, क्या होगा आपका, ये इनएक्टिव फेज में है ना, समझेगा मेरी बात।
और यहाँ पे जो है आपका ये एक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसकी बात नहीं है कि आपका यहाँ पे ये बात नहीं है कि जीवन फेज होगा यस फेज होगा, क्योंकि हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा जब यहाँ पे करेंगे तो ये जो आपका डीएनए बी है और डीएनए ए है ये क्या होगा अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। काम करना स्टार्ट करने का इंसेंस क्या हो जाएगा, ये जो आपका ना ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे करके आपका इस तरीके से फॉर्क बन जाएगा ना। मान लो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे फॉर्क बना दिया ना, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्क बना दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्क नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फॉर्क नहीं बनेगा। अब क्या होगा इसको एक्टिवेट करने के लिए, अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यस फेज में ना। कहाँ लाना है हमें, यस फेज में लाना है ना। कहाँ पे लाना है, यस फेज में ना, यस फेज में लाना है। तो यस फेज में इसको लाना है तो हम, मैंने आपको बताया हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका इनएक्टिव है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब हमें जो ओआरसी आपका इनएक्टिव है कहां पे, जीवन फेज में, और जो हमारा एमसीएम 227 जो आपका इनएक्टिव फेज है जीवन फेज में उसको हमें क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा ना। और एक्टिवेट कहां करना होगा, एक्टिवेट करना होगा यस फेज में ना। ध्यान दीजिएगा कहां करेंगे हम लोग, यहां लिख दे रहे हैं ठीक है, यस फेज में हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है ना। यस फेज में इसको एक्टिवेट करना है, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या होगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए हमें प्रोटीन, हमें चाहिए डीडीके प्रोटीन। क्या चाहिए हमें, डीडीके चाहिए, और क्या चाहिए हमें, सीडीके चाहिए ना। क्या चाहिए, डीडीके चाहिए, और क्या चाहिए हमें, सीडीके चाहिए ना। कहां चाहिए, देखो ये प्रोटीन कहां इन्वॉल्व हो रही है, ये दोनों प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है आपका यस फेज में। कहां इन्वॉल्व हो रही है, यस फेज में ठीक है। और ये जो प्रोटीन है ये और ये वाली प्रोटीन जो है कहां इन्वॉल्व हो रही है, ये इन्वॉल्व हो रही है आपका जीवन फेज में। कहां इन्वॉल्व हो रही है आपका, ये जीवन फेज में इन्वॉल्व, अरे यार क्या हो गया, ये इन्वॉल्व हो रही है आपका जीवन फेज में ना, जीवन फेज में। लेकिन काम नहीं कर रही है, काम वहां नहीं कर रही है। अब क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि अब हमें आपका कुछ प्रोटीन और चाहिए, अभी मैंने आपको बताया ना डिटेल में कुछ प्रोटीन और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए SLD2 ना, ये चाहिए। और क्या चाहिए आपका, और क्या चाहिए हमें, ये चाहिए। उसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए, SLD2 हो जाएगा, फिर SLD3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इधर PBP11 हो जाएगा ना। ये तीनों क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी ना, ये भी क्या होंगे, तीनों एक्टिवेट होगी। और तीनों एक्टिवेट होके क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, SLD2 ना, SLD2, SLD3, और इधर क्या हो जाएगा आपका PBP11 ठीक है, PBP11। ये क्या हो जाएंगे आपकी, एक्टिवेट होंगी कहाँ पे, ये सब आपका हो रहे काम कहाँ पे, यस फेज में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस फेज में ना, ये यस फेज में। अभी भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे फॉर्क नहीं बना है, देखो यहाँ पे फॉर्क डायरेक्ट बन गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी फॉर्क नहीं बना है ना, यहाँ पे अभी फॉर्क नहीं बना है। अब अगले पेज चलते हैं। तो इसको आप अभी ऐसे करके रहने दो ठीक है, अभी आपका ये ऐसे करके है ना, अभी जो है आपका ये ऐसे करके ही बना हुआ है ना, अभी आपका ऐसे करके बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हमारे पास जो बना हुआ है वो क्या है आपका SLD2 ना, SLD2, फिर SLD3, और क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका PBP11 ना। इसका क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्या एक्टिवेट होगा, अब एक्टिवेट होगा आपका, एक्टिवेट हो जाएगा क्या, CDC45 ना, CDC45 एंड GINS, ये क्या है आपकी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये क्या होगी, एक्टिवेट होगी ना, ये क्या होगी, ये आपकी एक्टिवेट होगी ना, ये एक्टिवेट होगी। जब ये एक्टिवेट होगी तब किसको, तब क्या एक्टिवेट होगा, तब आपका एक्टिवेट होगा हेलिकेज ना, हेलिकेज में क्या एक्टिवेट होगा, MCM227 ये आपका एक्टिवेट होगा ना, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब देखो जब इतना एक्टिवेट होगा ना, अब ये क्या होगा, इसे हम लोग बोलेंगे, अब इसे हम लोग बोलेंगे प्री ना, सॉरी अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्री ना, प्री आरसी एक्टिव हो जाएगा। क्या होगा आपका, एक्टिव बोलेंगे। और एक्टिव कहाँ हुआ है, एक्टिव हुआ है आपका, ये आप एक्टिव कहाँ हुआ है, यस फेज में ना, एक्टिव कहाँ हुआ है आपका, यस फेज में। ध्यान रखिएगा एक्टिव हुआ आपका यस फेज में। अब ध्यान दीजिएगा जब इतनी कहानी हो गई, ये सारी प्रोटीन कहाँ काम करेंगे, ये सारी प्रोटीन काम करेंगे यस फेज में ना, कहाँ काम कर रही है आपका, ये यस फेज में काम कर रही है। ध्यान दीजिएगा ये सारी प्रोटीन क्या कर रही है आपका, यस फेज में काम कर रही है। अभी ये वही तो वैसे ही है, अभी आप देखो यहाँ लफड़ा नहीं है, ये सारा काम यहाँ पे अभी ऐसे ही हो रहा है। जब इतना हो जाएगा मतलब ये, अब जब आपका CM2 आपका एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी ना, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे स्टोरी आप आगे बढ़ा दो ऐसे करके ना, समझे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, इंटरेस्टिंग। इधर आपका हो जाएगा और इधर अब क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये आपका ऐसे करके बन जाएगा ना,
ये क्या हो जाएगा आपका, इधर ऐसे करके बन जाएगा ना, ऐसे करके इधर बन जाएगा ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या लगेगा, अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लगता है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लग जाएगा है नहीं। उसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या लगता है, प्राइमर, ये बात मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होता है प्राइमर लगता है ना, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी प्राइमर लगेगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताई है डिटेल प्राइमर बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीएनए पॉल थर्ड ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीएनए पॉल ना थर्ड ना, ये डीएनए पॉल थर्ड हो जाएगा और ये प्राइमर के लिए कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा डीएनए जी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये आपका डीएनए जी हो जाएगा। सेम बात यहाँ पे भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी ना, क्या हो जाएगा आपका डीएनए पॉल थर्ड और इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीएनए जी हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा आपका डीएनए जी हो जाएगा ना, सही बात है नहीं। देखो डीएनए जी आपकी ये प्राइमर पॉइंट कर रही है, अलग चीज है, डीएनए पॉलीमरेज आपका अलग हो जाएगा। इधर भी क्या होगा, इधर अब आपका आएगा डीएनए पॉलीमरेज, अब यूकेरियोट की बात हो रही ना, इधर भी क्या होगा आपका आएगा यूकेरियोट में आपका डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो प्रोकैरियोट में क्या हो रहा है कि एक ही डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग के लिए भी काम कर रहा है और एक ही डीएनए पॉलीमरेज आपका लैगिंग के लिए भी काम कर रहा है ना, प्रोकैरियोट में एक ही डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग के लिए भी और एक ही क्या हो रहा है लैगिंग के लिए। लेकिन हम लोग यूकेरियोट की बात करते हैं तो मैंने आपसे बताया था ना यूकेरियोट में क्या होता है, यूकेरियोट में आपके दो इंपॉर्टेंट काम करेंगे, दो क्या आप कह लीजिए तीन काम करेगा, ध्यान रखिएगा जो यूकेरियोट होता है, यूकेरियोट में आपको जो डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, अरे यार क्या हो गया, जो यूकेरियोट में डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, मैं लिख दे रहा हूँ या बगल में लिख दे रहा हूँ, तो यूकेरियोट में जो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा वो तीन काम करेगा, कौन काम करेगा एक साथ में ना, एक काम करेगा आपका अल्फा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, एक कौन काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और एक काम करेगा आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, तीन काम कर रहा है। तो ये जो आपका अल्फा है ये क्या करेगा, प्राइमर प्रोवाइड करेगा ना, क्या करेगा प्राइमर। तो देखो प्राइमर यहाँ पे कौन कर रहा है, प्राइमर यहाँ पे डीएनए जी कर रहा है, डीएनए जी डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, डीएनए जी एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा डीएनए जी क्या है आपका एक प्रोटीन है ना, ये डीएनए जी है, ये क्या है आपका एक प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पे तीनों चीज क्या है, आप देखो यहाँ पे एक डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है और एक प्रोटीन काम कर रही है, यहाँ पे आपका तीन डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, तो ये आपका क्या करेगा प्राइमर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्या होगा एक लीडिंग का काम कर, एक लीडिंग को सिंथेसाइज, एक लीडिंग और एक क्या होगा लैगिंग को सिंथेसाइज करेगा, तो मतलब लीडिंग के लिए अलग काम करेगा और लैगिंग के लिए क्या होगा अलग काम करेगा। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज दूसरा लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज दूसरा लग जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका प्राइमर आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा प्राइमर आ जाएगा, प्राइमर की मैंने पूरी कहानी बहुत डिटेल बताया हुआ है ना, इधर क्या हो जाएगा प्राइमर आ जाएगा। अब देखो अब स्टोरी थोड़ा सा आप और आगे बढ़ा दीजिए, अब थोड़ा सा स्टोरी बढ़ाना क्या है, यहीं पे आप एक काम करो, एक चीज और लगता है ना, मैंने आपको बताया था यहीं पे क्या लग जाएगा, यहीं लग जाएगा आपका बीटा क्लैंप लगेगा ना, बीटा क्लैंप ना, यहाँ पे क्या लगेगा बीटा क्लैंप ना, क्या लगेगा बीटा क्लैंप ना, बीटा क्लैंप सब बताया हूँ बीटा क्लैंप काम क्या होता है, और बीटा क्लैंप को यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका बीटा क्लैंप ना, क्या हो जाएगा बीटा क्लैंप। तो बीटा क्लैंप को लेके आता कौन है, बीटा क्लैंप को जो लेके आता है वो आता है क्लैंप लोडर लेके आता है ना, कौन लेके आएगा क्लैंप लोडर लेके आता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बताया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ ये आपका बीटा क्लैंप और ये इसको लेके कौन आया, इसको लेके आया है क्लैंप लोडर ना, इसको लेके कौन आया, इसको लेके आया है क्लैंप लोडर। सेम कहानी यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे बीटा क्लैंप वाला जो काम करेगा, बीटा क्लैंप वाला काम कौन करता है पीसीएनए करता है ना, कौन करेगा आपका पीसीएनए करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कौन करेगा आपका पीसीएनए ना, पीसीएनए यहाँ पे भी कौन काम करेगा आपका पीसीएनए काम करेगा है नहीं, यहाँ पे पीसीएनए काम करेगा। तो यहाँ पे भी क्लैंप लोडर आएगा ना भाई, क्लैंप अपने आप तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा आपका क्लैंप लोडर आएगा। तो यहाँ तक इतनी कहानी क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी। जब इतनी कहानी हो गई है, देखो कंपेयर करते हैं चलिए, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट का कंपेयर करते हुए चलिए, तो जब इतनी कहानी हो जाएगी तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तब आगे वाली कंडीशन क्या बनेगी, आगे वाली कंडीशन ये बन जाएगी ना, आगे वाली जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या बन जाएगी, आप देखो यहाँ पे ना, अब ये ऐसे करके हो गया है ना, ये ऐसे करके हो गया है ना, ये ऐसे करके इधर वाला आपका हो जाएगा ना, ना ऐसे करके ना, देख रहे हैं ना कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान काम है थोड़ी क्या ना। इधर क्या हो गया, इधर आप देखो इधर क्या हुआ आपका, ये प्राइमर हो गया ना, ये क्या हो गया आपका प्राइमर, इधर भी क्या हो गया आपका ये प्राइमर, इधर भी क्या हो गया आपका ये प्राइमर, इधर भी क्या हो गया आपका ये प्राइमर ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर आप यहाँ पे लाके बाइंड करा दो डीएनए पॉलीमरेज ना, इधर आप डीएनए पॉलीमरेज,
इधर भी क्या लाके बाइंड करा दो, डीएनए पॉलीमरेज, इधर डीएनए पॉलीमरेज, ये प्रोकैरियोट का डीएनए पॉलीमरेज है, ये यूकैरियोट का डीएनए पॉलीमरेज। और इधर देखो ये आगे हेलिकेज लगा हुआ है, इधर भी हेलिकेज लगा हुआ है और इधर भी आपका हेलिकेज लगा है, हेलिकेज काम अब खत्म हो गया है, खत्म नहीं हो गया, हेलिकेज आगे आगे बढ़ता जाएगा। और फार हेलिकेज काम होता है फार्क बनाना है, तो फार्क तो हम लोग बना ही चुके हैं ऑलरेडी ना, फार्क की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, फार्क हमने बना ही दिया है। अब क्या हुआ इधर आपका ना, इधर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, फिर इसी के ऊपर लाके आप क्या बाइंड करा दोगे, इसी के ऊपर लाके आप बाइंड करा दोगे हेलिकेज लोडर ना, ये आप सॉरी ये आपका बीटा क्लाइंट ना, ये आपका बीटा क्लाइंट हो जाएगा। और बीटा क्लाइंट को लेके कौन आता है, बीटा क्लाइंट को जो लेके आता हुआ आएगा आपका क्लाइंप लोडर ना, क्लाइंप लोडर सब पढ़ाया बहुत अच्छे से, सेम बात यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका क्लाइंट है ना, क्लाइंट कौन काम करता है पीसीएनए, यहाँ पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका पीसीएनए आ जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा क्लाइंप लोडर आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी आपका क्लाइंप लोडर आ जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा क्लाइंप लोडर आ जाएगा ना, ये क्लाइंप लोडर। अब क्लाइंप लोडर काम क्या होता है, क्लाइंप लोडर सिर्फ लोड करेगा, लोड होने के बाद ये रिमूव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्लाइंप लोडर होता है ना, जो आपका क्लाइंप लोडर होता है ना, क्लाइंप लोडर जो होगा वो क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो क्लैंप लोडर है ना रिमूव हो जाएगा, सारी कहानी मैंने आपको बताया है, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, बार बार मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सब मैंने आपको बताया है कि कैसे प्रोसेसिबिलिटी को बढ़ाता है ना बीटा क्लैंप, कैसे प्रोसेसिबिलिटी को बढ़ाता है, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कैसे होती है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कैसे होती है, ये सारी कहानी मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस बता रहा हूँ ना, कि प्रोकैरियोट में कौन काम कर रहा है और यूकैरियोट में कौन काम कर रहा है ना, मैं उसका मैं फंक्शन बता रहा हूँ कैसे आपका ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब ये आपकी पूरी स्टोरी हो जाएगी तो यहाँ पे अब क्या होगा, हमारी कंडीशन हो जाएगी ना ऐसे करके, ठीक है। देखो ये जो मैं ऐसे करके बना रहा हूँ ना प्रोकैरियोट में, ऐसे होता नहीं है, आप जानते हैं सर्कुलर होता है ना, जो प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन होता है उसमें जो डीएनए इन्वॉल्व होता है वो क्या होगा आपका सर्कुलर होता है। अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वही कहानी हो जाएगी ना, ये आपका प्राइमर हो जाएगा ना, ये आपका प्राइमर इधर हो जाएगा, इधर प्राइमर हो जाएगा ना, ये आपका इधर प्राइमर हो जाएगा और ये आपका इधर प्राइमर हो जाएगा। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपकी डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो इधर क्या होगा, इधर आपका एक डीएनए इधर आपका बनेगा ना, इधर आपका डीएनए बनेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका ये लीडिंग क्या होगा, इधर डीएनए सिंथेसिस होगी। लैगिंग के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था ऐसे करके फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में होगा ना, क्या होगा आपका फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में होगा, ऐसे करके यहाँ पे भी क्या होगा आपका फ्रेगमेंटेशन फॉर्म में होगा, क्यों होगा कैसे होगा सब बताया हूँ ना, क्यों होगा कैसे होगा ये मैं सब आपको बताया हूँ ना। तो ये हर जगह से क्या लगा होगा प्राइम में लगा होगा ना, हर जगह पे क्या होगा प्राइम में लगा होगा ना, यहाँ पे क्या होगा प्राइम में लगा होगा ना, यहाँ पे भी क्या होगा प्राइम में लगा होगा ना, ऐसे करके प्राइमर, ये सब मैंने आपको बताया है ना, प्राइमर ना कि आपका जो लीडिंग होता है लीडिंग में एक ही प्राइमर लगेगा, लैगिंग में क्या होगा मोर देन वन प्राइमर लगेंगे, कई सारे प्राइमर लगेंगे, ये सारी कहानी मैंने आपको बताया है। लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कैसे होती है, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कैसे होती है, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है ना, मैंने आपको बताया था कि जो लैगिंग वाला होता है वहां पे क्या होता है आपका लूप बनता है ना, क्या होता है लूप बनता है, लूप बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे सेंसेस होगी, कौन सा होगा जाके फ्रेगमेंट पहले बनेगा, कौन सा होगा जाके फ्रेगमेंट बाद में बनेगा, वो सारी कहानी मैंने आपको बताया, अच्छे से बताया है ना, सारी स्टोरी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर क्या हो रहा है, इधर जो है आपका ना, इधर आप देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर आपका जो है लीडिंग स्टैंडिंग सेंसेस हो रही है ना, इधर क्या हो रहा है लीडिंग की हो रही है, और इधर क्या हो रहा है आपका लैगिंग की हो रही है ना, इधर क्या हो रही है आपका लैगिंग की हो रही है ना, ये आपका क्या हो जाएगा लैगिंग की हो जाएगी ना, इधर भी देखिए क्या हो रहा है आपका लीडिंग हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका लीडिंग हो रहा है, इधर क्या हो रहा है आपका लैगिंग हो रहा है ना, इधर क्या हो जाएगा इसी हम लोग और क्या बोलेंगे इलांगेशन फेज बोलते हैं ना, ये क्या हो जाएगा ये आपका इलांगेशन फेज हो जाएगा ना, इलांगेशन फेज ना, ये क्या हो जाएगा आपका इलांगेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये इलांगेशन फेज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा इलांगेशन फेज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा फाइनली अगले पेज में क्या हो जाएगा ना, अगले पेज में देखो फाइनली क्या हो जाएगा, अब आपका आ जाएगा ट्रांसमिशन का टाइम आ जाएगा ना, क्या होगा ट्रांसमिशन का टाइम आएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन मतलब भी क्या हो जाएगा आप ऐसे समझो ना, कहानी ना ऐसे करना, ये इधर हो गया ना, या बात क्या हो गया इधर हो गया, ऐसे करके हो गया ना, ऐसे करके हो गया। अब हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया है, ध्यान रखिएगा हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या आया है, ऊपर वाले देखो यहाँ पे क्या होगा एक प्राइमर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पूरा इधर डीएनए हो जाएगा ना, इधर आपका पूरा क्या हो जाएगा डीएनए हो जाएगा, ये लीडिंग का हो जाएगा। इधर वाले में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इधर हमारा ये आपका प्राइमर होगा ना, ऐसे करके प्राइमर बना लो, ये आपका प्राइमर हो जाएगा ना, ये प्राइमर हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका ये लीडिंग वाला हो जाएगा ना, ये सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टैंड सेंसेस हो जाएगी ना। आप देखो प्राइमर ये ओका जाके फ्रेगमेंट है ना, ये ओका जाके फ्रेगमेंट है, सब मैंने बताया है ना। तो आप देखिए प्राइमर
और आपका डीएनए सिंथेसिस हो रही है ना, आपका डीएनए प्राइमर और आपका क्या हो जाएगा डीएनए, है ना, डीएनए का स्ट्रैंड है ना ये जो सिंथेसाइज हुआ है नया, ऐसे करके यहाँ पे बन जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये प्राइमर हो जाएगा ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेम कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे भी आपका एक प्राइमर होगा और उस प्राइमर के बाद क्या हो जाएगा, उस प्राइमर के बाद क्या हो जाएगा आपका ऐसे करके बन जाएगा ना पूरा सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी ना, यहाँ पे भी हो जाएगी ना ऐसे करके, आप ऐसे करके बना लो ऐसे करके ना ऐसे करके, ये प्राइमर है और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये डीएनए हो जाएगी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे करके आपका डीएनए, एक मिनट सब आप सीख गए होगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, देखो ये आप ऐसे करके हो गया ना, इधर भी क्या हो जाए आप ऐसे हो गया ना ऐसे करके ना ऐसे करके ना, तो फिर अब ये आपका लीडिंग हो जाएगा, ये लीडिंग हो जाएगा, ये लैगिंग हो जाएगा, ये लैगिंग हो जाएगा, लेकिन ये फ्रेगमेंट फॉर्म में है ना, तो फ्रेगमेंट फॉर्म में इसका मतलब क्या हो जाएगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म है, तो ओकाजाकी अगर फ्रेगमेंट है तो ओकाजाकी अगर फ्रेगमेंट बना हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर ओकाजाकी बना हुआ है ओकाजाकी तो आपका जो है ओकाजाकी में आपका डीएनए भी है आरएनए भी है, क्यों डीएनए आरएनए है भाई, आपका जो प्राइमर है वो तो आरएनए ही है ना, एक तो आपका यहाँ पे हाइब्रिड है, एक तो आपका यहाँ पे हाइब्रिड है, दूसरा क्या होगा आपका फ्रेगमेंट के फॉर्म में है, तो इस तरीके से क्या इसको हम कंप्लीट डीएनए मानेंगे क्या, इसको हम डीएनए का कंप्लीट स्ट्रैंड मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे ना, अब क्या होगा यहाँ पे प्राइमर रिमूवल करना होगा ना, क्या होगा हमें प्राइमर रिमूवल करना होगा ना, प्राइमर रिमूवल ना दो काम करना होगा, प्राइमर रिमूवल एक काम करना होगा, दूसरा काम क्या करना होगा गैप फिलिंग काम करना होगा ना, गैप फिलिंग काम करना होगा ना, गैप फिलिंग का काम करना होगा, और तीसरा काम क्या होगा लाइगेशन काम करना होगा ना, किसका काम करना होगा लाइगेशन का, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे भी काम क्या करना होगा प्राइमर ना रिमूवल, प्राइमर रिमूवल काम करना होगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका गैप फिलिंग का काम करना होगा ना, गैप फिलिंग का काम करना होगा, और क्या होगा लाइगेशन काम करना होगा ना, किसका काम करना होगा लाइगेशन काम करना होगा, मतलब पहले इस प्राइमर को हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे, तो प्राइमर को जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा गैप आ जाएगा ना, गैप आ जाएगा, अब इस गैप को फिल करना होगा, तो गैप को फिल करने के लिए क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम की जरूरत होगी ना, डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज आपका फर्स्ट यहाँ पे काम करेगा, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम प्राइमर को रिमूव करेंगे तो गैप आ जाएगा, गैप को फिल करना होगा, फिर जब गैप फिल हो जाएगा तो फिर लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड में जोड़ना होगा, सब बताया हमने लास्ट टाइम मैंने सब बताया हुआ है, तो लास्ट टाइम जो न्यूक्लियोटाइड में जोड़ना होगा कौन जोड़ेगा आपका लाइगेशन एंजाइम ना, कौन जोड़ता है आपका लाइगेशन एंजाइम, देखो ये सारी कहानी मैं बता चुका हूँ, जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको तो ये कम समझ में आ रहा होगा ना, जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको ये कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया है ना, बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप बस इतनी समझिए क्योंकि मैं बता चुका हूँ, तो बार बार बताने को मतलब नहीं है ना, अब क्या होगा अब यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास ना यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में जो है आपका ना इस तरीके से आपका स्टैंड दोनों बन जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा इधर वाला भी बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका इधर भी बन जाएगा ना, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो प्राइमर रिमूवल और गैप फिलिंग का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है ध्यान रखिएगा प्राइमर रिमूवल और ना प्राइमर रिमूवल काम करता है डीएनए पॉल फर्स्ट करता था और आपका क्या हुआ था ये प्राइमर रिमूवल काम करेगा गैप फिलिंग का काम कर लेगा और लाइगेशन क्या करता है आपका लाइगेशन जो है आपका जो है जोड़ने काम करता था, यहाँ पे कौन काम करेगा ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन काम करती है, एक नाम क्या होता है आरएनएज एच बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एंजाइम है, दूसरा कौन काम करेगा आपका FEN1 ध्यान रखिएगा FEN1 ना ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रोटीन है, देखो प्राइमर रिमूवल और गैप फिलिंग का काम इधर आपका ये वाला काम हो जा रहा है ये कर दे रहा है ना, और ये लाइगेशन आके आपका लास्ट वाला जोड़ दे रहा है मैंने बताया था, यहाँ पे वही वाला काम कौन कर रहा है आपका आरएनएज एच कर रहा है FEN1 कर रहा है और क्या हो जाएगा आपका लाइगेज आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका लाइगेज आ जाएगा ये लाइगेज, अब देखो इसका जो कोफैक्टर होता है वो ये लेडी प्लस होता है सब बताया हूँ, और इसका जो कोफैक्टर होता है वो क्या होगा आपका एटीपी होगा ना, तो क्या हुआ आप देखो अब यहाँ पे प्राइमर रिमूव भी हो गया है गैप फिल भी हो गया है और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट था ना जो फ्रेगमेंट था वो क्या हो गया आपस में सील भी हो गया है, सेम बात आपका यहाँ पे भी हो गया है और सेम बात क्या हो गया आपका यहाँ पे भी हो गया है ना, तो ये क्या हुआ पूरा कंपेरेटिव एनालिसिस रहा है ना, ये पूरा कंपेरेटिव एनालिसिस रहा, किसका कंपेरेटिव एनालिसिस रहा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी कहानियां सारी एंजाइम सारी प्रोटीन को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ ना, आप जानते हैं बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ, यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई डाउट होगा, अगर किसी कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं ना, अगर किसी कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं,
और देखो मैं बात को आपको कहूंगा कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है कि सारी एंजाइम कितनी सारी प्रोटीन लीडिंग स्ट्रैंड सेंस कैसे होती है, लैगिंग स्ट्रैंड की सेंस कैसे होती है, उसको एक बार फिर से क्या करिए रिवाइज करिए। देखो आज आपका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का दोनों का डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो गया आपका खत्म हो गया है, ये आपकी पूरी स्टोरी जो है कंप्लीट हो गई है। कल वाले लेक्चर हम लोग बात करेंगे डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो हमारा अगला वाला चैप्टर है। इसको मैं एक बार आपसे कहूंगा, समझ में तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा, बस इसको क्या करिए एक बार दो बार और रिवीजन कर लीजिए। नोट्स ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया हुआ है ना, नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया हुआ है आपके एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में आप पूरे नोट जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसको सारा सिस्टमी ढंग से आपका नोट जो है वहां पे अपलोड है ना, पूरा बनाया गया हुआ है सिस्टमी ढंग से। आप जो क्या करिएगा अच्छे से अपना नोट बना लीजिएगा, ये एक बार समझ में तो आ गया है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिया आपका काम हो गया, इसको आपको दो बार तीन बार चार बार आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, ठीक है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आप देखिए कम से कम मुझे लगता है कि 10 लेक्चर हो गया होगा ना, 10 से 12 लेक्चर में ये जाके आपका डीएनए रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो पाया है। तो एक एक चीज को हमने बहुत डिटेल में आपको करवाया हुआ है, सिस्टमेटिक ढंग से करवाया हुआ है, और एक बार आप पढ़िएगा अच्छे से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, तब आप बताइएगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो किस लेवल का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो हम लोग पीपीटी बनाए थे ना, ये जो अपने हम लोग पढ़ा हुआ है ना, इसको जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं 2 मिनट में जो हम लोग पीपीटी है जो बनाए हुए हैं उसको आपको एक बार दिखा देते हैं, फिर इस लेक्चर को क्या करते हैं हम खत्म करते हैं ना, ओके।